सचकाल FMI न्यूज देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ काशिफ फारूकी और बुलेटिन विद सब तो पहला हेडलाइंस। तरनतारन च भयानक सड़की हादसे च पांच लोगों की मौके पर हुई मौत। कार अते कंबाइन विचाले हुई टक्कर तो बाद वापरिया हादसा। खेमकरन च गरजे कैप्टन अमरिंदर सिंह, बादल सरकार से जम के साधे निशाने। रोपड़ च आम आदमी पार्टी की रैली च लीडर ने लाए सूबा सरकार नूं रगड़े, कहा 2017 च बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मोहाली के फेज पंच अमनदीप कौर नूं मौत दे घाट उतारन वाले गुरमीत सिंह गोरा नूं अदालत ने सुनाई उम्र कैद। साथी अंग्रेज नूं 3 साल की सज़ा। एक पासवर्ड प्यार दे चलदिआं 12 जनवरी नूं अमनदीप कौर नूं गोलियां नाल उतारिया सी मौत दे घाट। बिहार चोणां च एनडीए दे सीटां की वंड तो बाद रामविलास पासवान की पार्टी असंतुष्ट, कहा नाराज़ नहीं फैसले तो हैरान है पार्टी। खबर तरन तारण तो है जिथे एक कार अते कंबाइन विचाले जबरदस्त टक्कर हो गई, जिस कार च सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना तरन तारण के पिंड चबल नेड़े वापरी है। खेमकरन च कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिशन 2017 की रैली की, जिस कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार खास करके बादल परिवार को अपने निशाने पर लिया। इस मौके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लोग 2017 का इंतजार कर रहे हैं और बादलों को सबक सिखाने तैयार बैठे ने। पंजाब जोड़ो मुहिम तहत आम आदमी पार्टी ने पूरे पंजाब च 2 सितंबर तो रैलियों का दौरा आरंभिया होया। 2017 च होने वाली विधानसभा चोणों के मद्देनज़र लोगों नूं पार्टी नाल जोड़न लई कीतियां जा रही रैलियां च आप लीडर हाकम धिर अते विरोधी धिर दोवां नूं ही निशाना बना रहे ने। आम आदमी पार्टी वालों 15 सितंबर नूं रोपड़ च रैली की गई, जिस च सांसद भगवंत मान, कन्वीनर सुचा सिंह छोटेपुर अते होर पार्टी लीडर ने पंजाब सरकार खिलाफ खूब भड़ास कढ़ी। रैली दौरान आम आदमी पार्टी काफ़ी भीड़ जुटा रही है। आम आदमी पार्टी की साबका नेता अमनदीप कौर ने दिल्ली च मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर संकेतक धरना दिता। अमनदीप कौर मुताबक पार्टी उस नाल छेड़खानी करने वाले वर्करां खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, जिसके कारण उसने एक कदम चुकना पिया। उसका कहना है कि उसने इस खिलाफ शिकायत भी करवाई सी। अमनदीप कौर ने मोहाली के महिला कमिशन की चेयरपर्सन छेड़खानी की शिकायत दर्ज करवाई सी। शिकायत अमनदीप कौर ने इल्जाम लगाए सन कि 6 मई नूं सैक्टर 71 च पार्टी कन्वीनर्स की मीटिंग च उस नाल छेड़खानी हुई है। अमनदीप ने पार्टी के कुछ लोगों से उस नूं बदनाम करने लई सोशल मीडिया से उस दीआं विवादित तस्वीरां अपलोड करन दा भी इल्जाम लगाया सी। अमनदीप का कहना है कि इस मामले की शिकायत उसने पंजाब वूमेन सैल अते पंजाब तो पार्टी कन्वीनर सुचा सिंह छोटेपुर नूं ईमेल राही भी भेजी सी, पर इस ते किसे तरह की कोई कार्रवाई पार्टी ने नहीं की। मोहाली च फिरोजपुर की अमनदीप कौर का कतल करने वाले गुरमीत सिंह गोरा नूं अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। गोरा के साथी अंग्रेज नूं 3 साल की सज़ा हुई है। गोरा ने एक पासवर्ड प्यार च 12 जनवरी नूं अमनदीप कौर का मोहाली च गोलियां मार के कतल कर दिता सी। फिरोजपुर की अमनदीप कौर मोहाली 5 फेज च रह रही सी। घटना वाले दिन मार्केट तो अपने घर नूं जा रही सी। घटना तो बाद मुलजम मौके तो फरार हो गए सन, जिस तो बाद पुलिस ने इन्हां नूं गिरफ्तार किया सी। गिरफ्तारी तो बाद गोरा ने पुलिस कोल मन्निया सी कि उसने एक तरफा प्यार दे चलदिआं ही अमनदीप कौर नूं गोली मार के मौत दे घाट उतारिया सी। सरबजीत की छोटी भैन बलजिंदर कौर ने दावा किया है कि दलबीर कौर सरबजीत की असली भैन नहीं। सरबजीत ने सरकार अते लोगों नूं गुमराह किया है। जदों पूरे मामले बारे दलबीर कौर नाल वार वार अपना पक्ष रखने की गल कही गई तो मीडिया तो पासा वटते नजर आए। जलंधर च कीती एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान लुधियाना की रहने वाली बलजिंदर कौर ने सरबजीत की भैन दलबीर कौर अते उसकी कुड़ी स्वपनदीप कौर खिलाफ कई गंभीर इल्जाम लगाए। खुद नूं सरबजीत की असली भैन दसन वाली बलजिंदर कौर का कहना है कि वह 10 भैण भाई सन, जिन्हां चों 5 की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान च उसके भरा सरबजीत का कतल करन उपरंत सरबजीत की मृतक देह का पूरे सरकारी सन्मानां नाल संस्कार किया गया सी। सरबजीत नूं जिंदा वापस लियाउण की जिम्मेवारी दलबीर कौर ने चुकी सी, जो सरबजीत की असली भैन नहीं सी। बलजिंदर कौर मुताबक दलबीर कौर ने उन्हां नूं हमेशा ही हनेरे च रख्या कि जेकर किसी नूं सच्चाई पता लगी ता सरबजीत की रिहाई
नहीं हो सकेगी। इन्ना ही नहीं, बलजिंदर कौर मुताबक दलबीर कौर ने बड़ी ही सफाई नाल स्वपनदीप कौर नूं सरबजीत दी धी दस सरकार वालों दित्ती गई सहायता हासिल कर ली। दलबीर कौर ने उनको सरबजीत के नाम को कहां कहां यूज किया, वो सरकार के नज़रों में लाना और पब्लिक की नज़रों में लाने के लिए। सर, जो हमारे सामने ना आने का रीज़न ये था कि दलबीर कौर हमें थ्रेट करती थी कि अगर आप सामने आओगे तो सरबजीत को फांसी हो जाएगी, क्योंकि सरबजीत की जो FIR थी पाकिस्तान में वो हमारे ऊपर बोलती थी, उसके पापा का नाम, उसकी प्राइमरी एजुकेशन, उसका जन्म कहाँ हुआ है। तो दलबीर कौर जी ने वो सारा कुछ उनकी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी और चेंज करके केस इन्होंने पाकिस्तान लगाया था। तो हमसे बोलती थी अगर अब आप लोग बोलोगे तो सरबजीत को फांसी हो जाएगी। इसी डर से हम लोग बोले नहीं कि हमारे भाई का नुकसान ना हो। बलजिंदर कौर ने सरकार तो मांग की थी कि पूरे मामले की CBI जांच करवाई जाए, और जेकर जांच होंगी है तो इस नाल दलबीर कौर का झूठा चेहरा बेनकाब हो सकेगा। हाँ, यहाँ पर भी दलबीर कौर जी ने हेरा फेरी की है। सरबजीत जो सपनदीप कौर हैं वो सरबजीत की बेटी नहीं है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमने प्रोवाइड किए हैं उसमें डॉटर ऑफ बलदेव सिंह और मदर ऑफ दलबीर कौर बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल शरेआम ही गलत है, और यहाँ तक कि सरकारों के साथ में भी धोखा किया है उन्होंने। इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया कि बेटी किसी की थी और एक शहीद को किस तरीके से वो यूज़ कर रही है। तो हम चाहते हैं इसका मतलब जो सच्चाई है सामने आनी चाहिए। मुल्क च शीना मर्डर केस तो बाद हुण सरबजीत दे परिवार की मिस्ट्री सामने आई है। सो लोड़ है कि पंजाब सरकार पूरे मामले की जाँच करवावे अते सच लोका सामने रखे। जलंधर तो नरेंद्र नंदन, फ्री मीडिया। डेंगू ने पूरे मुल्क नूं अपनी चपेट च लै रखे है। पंजाब च वी डेंगू दे मरीजां दी गिनती लगातार वध रही है। पटियाला अते अमृतसर च दो मरीजां दी मौत भी डेंगू करके हो चुकी है, जिस कारण लोकां च काफ़ी दहशत दा माहौल है। पूरे मुल्क च डेंगू ने लोकां नूं परेशान कर रखे है। मुल्क दे नाल नाल पंजाब च वी डेंगू दा कहर लगातार वध रहा है। हुण तक हज़ारां दी तादाद च डेंगू दे मरीज सामने आ चुके ने। इकल्ले बठिंडा च ही अंकड़े मुताबक हुण तक डेंगू दे 300 मरीज़ इकल्ले बठिंडा जिले च ही सामने आ चुके ने, पर मरीजा दी गिनती इस तो कई गुना ज़्यादा है। बठिंडा दी गुणियाणा मंडी दे सिविल हस्पताल दी हालत काफ़ी खस्ता है। इत्थे ना तो कोई डेंगू प्रभावित लोगों लई खास वार्ड है अते ना ही मरीजा दी कोई खास देखभाल। सूबे दे बठिंडा च डेंगू दे मरीजा दी गिनती लगातार वध रही है, जिस करके स्थानक डॉक्टर काफ़ी चिंतित ने। साढ़े कोल हुण तक जो अंकड़े प्राप्त होए हैं उन्होंने मुताबक बठिंडा जिले के 300 के लगभग पॉजिटिव केस आए ने। मैं समझना कि इस तरह पॉजिटिव केसा के आने मगर बड़ी घाट साढ़े जी जागरूकता की घाट है, लोगों इस बारे बहुत घट जानकारी है। इस तो अलावा लोगों की जी मूवमेंट है वो भी ये फैलने का वड्डा कारण बनती जा रही है। लोग एक पॉजिटिव केस जो तो एक शहर तो दूजे शहर जाता है या एक स्टेट तो दूजी स्टेट जाता है तो उ जो उन्होंने फैलन का कारण बन जाता है। उधर लुधियाना वासी भी डेंगू का कहर सह रहे हैं, जिसके चलद सिविल हस्पताल से डेंगू के मरीजों की खास देखभाल की जा रही है। अजिहे च डॉक्टर ने लोगों घर से अपना आला दुआला साफ रखने ददायत दिखाई ने। सिविल हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं कि हमारी तरफ से तो पूरा इंतजाम है। जैसे पेशेंट को हमने ये स्पेशल तरह के नेट्स होते हैं जिसको LLIN कहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स कहते हैं, इसमें पेशेंट को रखा जाता है जी। तो इसके अलावा जो है हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं, और बाकी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दे रहे हैं अपनी तरफ से जी। डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में जो अभी तक जो मेरे हमने जो काउंट किए हैं अभी तक हमारे पास 124 हैं कल तक जो लिस्ट हमारे पास है, और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो है 66। पूरे पंजाब च हुण तक डेंगू दे हज़ारां मरीज सामने आ चुके ने। पटियाला ते अमृतसर च डेंगू दे करके एक एक मौत भी हो चुकी है। लुधियाना तो नवीन शर्मा दे नाल, बठिंडा तो प्रितपाल सिंह, फ्री मीडिया। बठिंडा के गुणियाना मंडी च लुटेरे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का ATM ही उखाड़ के लै गए। सारी वारदात नूं अद्धी रात वेले अंजाम दिता गया। वारदात नूं 4 तो 5 लोगों ने अंजाम दिता। ATM च दाखिल होने तो बाद लुटेरियां ने
सीसीटीवी कैमरिया ते स्प्रे छिड़क दिती। जदों सारी वारदात तो बाद पुलिस फिलहाल हथ मलदी नज़र आ रही है। बैंक अधिकारियों मुताबक ATM च 1,30,400 रुपए सन, जिसते लुटेरिया ने अपना हथ साफ कर दिता। पूरे मामले च गुनियाना मंडी के DSP कुछ भी बोलन तो साफ मना कर रहे ने। ATM नियर आहूजा कॉटन फैक्ट्री लग्या है, ठीक है, तो वो आउटसोर्स है, साड़ी प्राइवेट कंपनी नूं दिता होया है। तो उस विच लगभग सवेरे मिडनाइट कह सकते आपां, जदों कोई वाका होया जिवें कि ATM वगैरह दा, सानूं सवेरे मैसेज मिलिया। असीं सवेरे आके देखिया तो टुट्टिया होया सी सारा कुछ ही, तो अपना जिहड़ा ATM है वह उत्थे नहीं सीगा, ठीक है। उस दे वास्ते असी पुलिस नूं सूचना दे दित्ती है, दी जांच कर रहे हैं जी, फिंगरप्रिंट वगैरह लै रहे हैं जी, मतलब हाथ फिंगरप्रिंट जिहड़ा है मिले नहीं सही। ATM मशीन पट के लगे जी, वह निशान कुछ सही नहीं मिल रहे, चैक करें जो सही जो मिलता है रिपोर्ट दी जाए। अपनी आने वाली फिल्म दंगल लिए आमिर खान इन्ने दिन लुधियाना पुजे हुए ने। बीते दिन आमिर खान ने अपनी फिल्म बारे जानकारी देने लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आमिर खान ने दसिया कि फिल्म हरियाणा की सब तो वड्डी समस्या भरूण हत्या से आधारित है। आमिर खान मुताबक उन्होंने फिल्म लिए अपना 30 किलो भार भी वधाया। इस नाल ही उन्होंने पंजाब के नशिया से गंभीर चिंता का प्रगटावा किया। फंडा है कि मैं वो काम करता हूँ जिससे मुझे मज़ा आता है, जो जो कहानी मेरे दिल को छू लेती है मैं वो करता हूँ। मैं फिर सोचता नहीं हूँ कि ये कामयाब होगी, कितनी कामयाब होगी, कितने पैसे कमाएगी, वो सब चीज़ें मैं नहीं सोचता हूँ, और मुझे काम में मज़ा आना चाहिए। आमिर जी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, फिल्म जो है वो 2 साल लगती है बनने में, और 2 साल के बाद आपको रिजल्ट मिलता है। 3 घंटे में ऑडियंस देख के बताती है रिजल्ट क्या है। तो वो मेरे लिए जो जर्नी है, जो सफर है 2 साल का, वो उतनी ही अहमियत रखता है जितना कि अल्टीमेट उसका जो आउटकम है। तो अगर मजा नहीं आएगा तो वो 2 साल फिर आपके बेकार हो गए। तो माय फिलॉसफी इज एंजॉय द वर्क यू डू, आप मजा लें, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको मजा आना चाहिए, फिर कामयाबी अपने हाथ में तो वैसे भी नहीं है। बिहार चुनाव लई सीट वंड तो बाद NDA च असंतुष्टि दे सुर गूंजन लगे ने। सीट दी वंड तो बाद BJP दे भाईवाल रामविलास पासवान ना खुश नजर आ रहे ने। LJP वालों पासवान दे बेटे ते सांसद चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उन्हां दी पार्टी हैरान है पर नाराज़ नहीं। चिराग ने कहा है कि LJP लई सीटां मायने नहीं रखदियां, पर हैरानी इसलिए है कि सीटां दा वंड जो फार्मूला दस्या गया उह सीटां दे ऐलान च नहीं दस्या। उन्हें कहा कि सीट वंड का आधार एक समान होना चाहिए। चिराग ने इस गल नूं नकारिया कि वह मांझी दे कुशवाहा दी अपनी पार्टी नूं ज़्यादा सीटां मिलन ते नाराज़ ने, पर सूत्रां मुताबक पासवान नूं लगता है कि मांझी दी पार्टी नूं ज़्यादा अहमियत दिती गई है। दस दिए कि बिहार चोणां लई NDA ने सीटां दी वंड का ऐलान कर दिता है। BJP सब तो वध 160 सीटां ते चोण लड़ेगी। रामविलास पासवान की पार्टी LJP 40 सीटां ते चोण मैदान च उतरेगी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीटां ते अते मांझी दी हम पार्टी नूं 20 सीटां दित्तियां गईयां ने। केंद्रीय महिला अते बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कह के विवाद नूं हवा दे दित्ती है कि हर तरह की हिंसा मर्दा कारण पैदा हुंदी है। फेसबुक ते लोकां नूं चैट राही गलबात करदिआं मेनका ने लिंग संवेदनशीलता पैदा करने लिए मर्दां ते ज़्यादा तो ज़्यादा सहयोग की मांग की थी। उन्हें कहा कि मर्दां का योगदान बहुत जरूरी है क्योंकि सारी हिंसा मर्द ही करते हैं। उन्हें यह भी कहा कि उन्हों का मंत्रालय स्कूलों च लिंग साथी के विचार की शुरुआत करने बारे काम कर रही है, जिस अधीन कुड़ियों प्रति आदर दिखाने वाले और उन्हों की मदद करने वाले मुंडियों को इनाम दिए जाएंगे। उन्हें यह भी कहा कि विदेशों के मुकाबले भारत का मीडिया औरतों के मुद्दों प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। सूत्रों मुताबक भारत सरकार छेती ही उन्हें 2000 लोगों की सूची जारी करने वाली है जिन्होंने अमेरिका के हवाई अड्डों से सुरक्षा जांच तो छूट मिल सकती है। इस सूची से सबका राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, सबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अंडानी, अदाकार अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के नाम शामिल हो सकते हैं। यह कदम भारत सरकार नाल भारत को अमरीका के ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सकेगा।
इस नाल VIP लोगों नूं लंबी कतार च लगन दे झंझट तो मुक्ति मिलेगी। दस दिए कि अजे तक 7 देशों के VIP लोगों नूं अमेरिका च यह सहूलत हासिल है। इन्हां देशों च नीदरलैंड, पनामा, दक्षिणी कोरिया, जर्मनी, पेरू, मैक्सीको ते कैनेडा दे शामिल ने। भारत नूं यह छूट देने लई अमरीका दे अधिकारी भी पक्ष ने। दस दिए कि इस तों पहलां भारत दे कई नामवर व्यक्तियों नूं अमेरिका दे हवाई अड्डियां ते तलाशी दे नां ते परेशानी दा सामना करना पिया सी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत के उसके 3 गुआढ़ी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान अते म्यांमार नूं उन्हां 22 देशों की सूची च शामिल किया जो सब तो वध मात्रा च गैर कानूनी मादक पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जे सब तो वध तस्करी च शामिल ने। इस सूची च इन्हां देशों तो इलावा मैक्सीको, बुलाविया, कोलंबिया ते वेनजुएला समेत कई अफरीकी ते दक्षणी अफरीकी देश शामिल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका फेरी दौरान सिख संस्था सिख फॉर जस्टिस उन्हों का विरोध करेगी। इस नाल ही इंसाफ पसंद सारिया कौमों मोदी की अमरीकी फेरी का विरोध करने लिए एक स्टेज पर इकट्ठे होकर कोई ठोस रणनीति तैयार करने की गल भी कही गई है। सिख संगठन के एक बुलारे ने कहा है कि जिस तरह सिख जथेबंदियों ने मोदी की पहली अमरीका फेरी मौके विरोध किया, उस तरह ही समूह जथेबंदियों रणनीति तैयार करनी चाहिए है। मोदी का 27 सितंबर को कैलीफोर्निया की सिलिकन वैली जान का प्रोग्राम है, जिथे वह फेसबुक से बानी प्रेजिडेंट मार्क जुकरबर्ग नाल मुलाकात करने वाले ने। संयुक्त राष्ट्र की सलामती कौंसल च भारत की पक्की मैंबरशिप दी कोशिशों नूं सोमवार नूं वड्डी सफलता मिली है। भारत की इस कोशिश च मजबूरन ही सही चीन ने भी साथ दिता है। संयुक्त राष्ट्र के करीब 200 मैंबर देश सुरक्षा कौंसल च सुधार की मांग उत्ते चर्चा की मांग करते दस्तावेजों के मसौदे उत्ते अगले 1 साल तक चर्चा करने लिए राजी हो गए हैं। सुरक्षा कौंसल विच विश्व संगठन विच फैसला लैण वाली उच्च बॉडी है। इस कौंसल विच 15 मैंबर होंदे ने, जिन्हां विच 5 मैंबर अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया ते फ्रांस स्थाई मैंबर ने। चीन सुरक्षा कौंसल दे विस्तार दा सख्त विरोध करदा रहा है। उधर अमरीका ते रूस ने भारत दी मैंबरशिप दा मौखिक रूप च जरूर समर्थन कीता है, पर इस उत्ते कोई लिखती भरोसा नहीं दिता। इस मसौदे प्रस्ताव विच संयुक्त राष्ट्र दे अगले साल दे एजेंडे उत्ते गल कीती गई है, जिसका विशा सुरक्षा परिषद दी मैंबरशिप विच वाधा जां बराबरी दी प्रतिनिधता है। एक बार मसौदा तैयार हो जाने तो बाद इस नूं महासभा विच वोटिंग लई रखा जाएगा, जिथे पास होने लई 2/3 वोटां दी लोड़ पवेगी। इत्थे इह दस दईए कि अक्तूबर विच संयुक्त राष्ट्र दी 70वीं वरेकांड तो पहलां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरिआं ते दुवाली चर्चा जरिए वख-वख देशां दे मुखिया तो सुरक्षा कौंसल विच भारत दी पक्की मैंबरशिप लई सहयोग दी उम्मीद कर रहे ने। मैलकॉम टर्नबुल आस्ट्रेलिया के नवे प्रधानमंत्री होंगे। लिबरल पार्टी के नेता की हुई चोन विच टोनी एबट नूं हार मिली है। चोन विच टोनी नूं 44 जदों कि टर्नबुल नूं 54 वोटां होईयां। टर्नबुल इस तों पहला लिबरल पार्टी विच कैबिनेट मंत्री वजो काम कर रहे सन। इस तों इलावा जूलिया बिशप पार्टी की डेप्टी लीडर बनी रहेगी। भारतीय मूल के अशोक श्रीधरन जर्मनी के बॉन शहर के मेयर बने ने। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन वालों श्रीधरन ने चोणां च शानदार जित हासिल की है। अशोक श्रीधरन एक वड्डे जर्मन शहर के मेयर बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए ने। पिछले 21 सालों तो भी वध समय तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता च सी, पर श्रीधरन की जित ने SPD नूं इस बार सत्ता तो बाहर कर दिता। श्रीधरन के पिता प्रवासी भारती ने अते उन्हां दी मां जर्मन है। बीते दिन ऑकलैंड विखे मुराबई बीच से कार पलटन करके 2 पंजाबियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। ये चारों पजैरो कार च शाम बीच के कंडे गड्डी च जा रहे सन। जानकारी मुताबक कार बहुत तेज़ रफ्तार से ते पानी के बहुत नज़दीक सी। गड्डी के ज़्यादा पलटिया खाण करके सारे नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। इन्हां 4 नौजवानों चों 3 क्वींस अकैडमी नामक कॉलेज च काम करते सन। हांगकांग पुजे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने कहा कि उन्होंने यकीन है कि जे दूजा मिल्खा सिंह पैदा होया तां सरदारां विचों ही पैदा होएगा। मिल्खा सिंह गुरद्वारा खालसा दीवान के हफ्तावरी दीवान दौरान सिख भाईचारे को संबोधन कर रहे सन। उन्होंने हांगकांग के पंजाबी भाईचारे वालों हॉकी खेड नूं बुलंदियां ते पहुंचाउण दी शलाघा करदिआं हांगकांग विच अथलैटिक अकैडमी भी स्थापित करन दा सुझाव दिता।
इटली के शहर कलदियारो विखे समाप्त हुई सालाना इटैलीयन राष्ट्रीय खेडों सिख धर्म की रवायती खेड गतके का भी प्रदर्शन होया। इंटरनेशनल जेतू गतका अकैडमी साहबजादा अजीत सिंह ते जुझार सिंह गतका अकैडमी ब्रेशियन के नौजवानों वालों गतके के अनोखे ते हैरत अंगेज करतब करके दिखाए गए। इन्होंने देख के इटैलीयन गोरे भी हैरान रह गए और इस खेड तो काफ़ी प्रभावित भी हुए। फिलहाल खबरों के बुलेटिन के विच इन्ना ही। नवीं ते ताज़ा तरीन खबरों लई तुसी वेखते रहो FMI न्यूज़। इस तो पहलों कि मैं फ्री मीडिया इनिशिएटिव की गल करा, मैं तुहानू थोड़ा पिछे लैके जाना चाहुंदा हाँ। कई बार विरोध जताउण अते चिट्ठी पत्र तो बाद अखीर न्यूज़ चैनल नूं फरवरी 2011 च पंजाब दे केबल नैटवर्क तो हटा दिता गया। कानूनी फैसलों के बावजूद चैनल नूं पंजाब च केबल नैटवर्क ते नहीं चलन दिता गया। जिवें कि हर कोई जानता है कि केबल काटल उत्ते एक ताकतवर सियासी घराने का असर है जो न्यूज़ अते एंटरटेनमेंट चैनल भी चलाउंदे ने। ये दो साल पहलों की गल है, हुण मैं वापस आ गया एक वक्रे रूप च जिसनू चुप नहीं किया जा सकता। फ्री मीडिया इनिशिएटिव तुहानू खबरां दे उस पार ले जाएगा यूट्यूब पर। इस तब्दीली इस कोशिश का हिस्सा बनो साढ़े नाल फ्री मीडिया इनिशिएटिव दे नाल।